प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। कौन सा प्रोग्राम? बाजी बाजी कौन सा वाला? मुझे क्या नाम है उसका? आपका प्रोग्राम जो बच्चों का प्रोग्राम है। अरे सबको पता है, आपको नहीं पता? हाँ मुझे भी पता है। हाँ हाँ हमारा प्रोग्राम। आइए मिलकर सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम छोटी सी दुनिया। छोटी सी दुनिया। तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। चलो बाहर निकलना, वहीं कर सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नन्ने मुन्ने दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, आपका प्रोग्राम छोटी सी दुनिया लेकर उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन सलाह सालिम हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। तो क्या हाल चाल है आपके? और उम्मीद और दुआ ये है कि बहुत अच्छे हाल हों आपके, और इंशाल्लाह हैं भी। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हाल और अच्छा होता चला जाएगा। कि अभी जो आपके दो दिन के, तीन दिन के या एक दिन के जो फिजिकल अटेंडेंस है स्कूल की, वो फुल फ्लैज स्कूल में तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह आइंदा हफ्तों में, और सब कुछ पहले जैसा नज़र आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप सब बच्चों ने भी बात सुनी होगी कि अब कोरोना की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल करीब आ गई है, बस कुछ हफ्तों की बात है, और उसके बाद इंशाल्लाह वो वैक्सीन सबको दे दी जाएगी और फिर क्या होगा, पहले जैसा माहौल हो जाएगा इंशाल्लाह। जो एक अभी एहतियात और एक दूसरे से दूर रहने की जो हिदायत हैं वो कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और ज़िंदगी पहले की तरह पहली डगर पर वापस आ जाएगी और हम सब एक दूसरे से खुल के मिल भी सकेंगे। और यहाँ पर जो बच्चों को बुलाने का सिलसिला है इस प्रोग्राम में, वो भी इंशाल्लाह दोबारा आगाज़ हो जाएगा, दोबारा शुरू हो जाएगा, और हम आपको यहाँ बुला सकेंगे, आपके साथ बैठ करके बहुत सारी बातें कर सकेंगे। लेकिन जब तक वो माहौल नहीं आता वापस, तब तक हमें जो एहतियाती तदाबीर हैं सारी की सारी, उन पर अमल करना ही है। और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि नाक और मुंह के ज़रिए से ही ये जो जरासीम है कोविड-19 का, ये हमारे जिस्म में आता है, ठीक है। तो अब इसको ही हमें बचा के रखना है, और उसको बचाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को हमेशा साफ रखना है, क्योंकि हाथ ही हम मुंह पे मारते हैं और उस तरह से वो जरासीम हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं और फिर हमें तंग करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब आपको ये करना है, एक बार फिर से इस सबक को दोहरा लेना है, छोटों को भी बड़ों को भी, कि हमें हमेशा अपने हाथों को साफ रखना है, और साथ ही साथ 20 सेकंड तक साबुन और साफ पानी से उसको धोते रहना है। अब सर्दियां हैं, सर्दियों में आपको क्या होगा कि कभी कभी पानी ठंडा लगेगा, तो आप याद से हीटर जो आपके हर जगह हर घर में होता ही है वो चला के रखें, और गर्म पानी, नीम गर्म पानी से आप साबुन के साथ अपने हाथ को धोएं, बगैर हाथ धुले अपने हाथों से आंखों को या नाक को या मुंह को बिल्कुल मत छुएं। और अगर खांसी आती है तो मुंह को टिश्यू पेपर से आप ढांप लीजिए, और ये जो टिश्यू पेपर होगा फिर इसको बंद डस्टबिन में आपको डालना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से अभी भी हमें बच्चों दूर रहना है, और अगर आप कहीं बाहर जाते भी हैं तो पूरे एहतियात के साथ जाएं, फेस मास्क लगा के रखें। और यहाँ कतर में तो ऐसे लोग जो कि पब्लिक प्लेसेस में फेस मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनको अथॉरिटीज़ पकड़ भी रही हैं और उनको लेके भी जा रही हैं, उनको फ़ाइन भी कर रहे हैं, उनको हिरासत में ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका ख़ास ख्याल रखना है, और हो सके तो अपने साथ सैनिटाइज़र रखें ताकि जहाँ पर पानी आपको फौरी तौर पर मैसर ना हो वहाँ उसका इस्तेमाल करें। अच्छा जी, तो ये तो वो बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है, जब तक कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये ना कह दिया जाए कि अब सब कुछ सही हो गया है, सब कुछ बेहतर हो गया है। हम ये जो तदाबीर हैं इनको इसलिए दोहराते हैं बच्चों, हालांकि हमें पता होती हैं, ताकि हमें ये याद रहे कि अभी भी हम एक ऐसे माहौल में हैं जहां पूरे एहतियात की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप अपने घर के जो बड़े हैं उनको भी इन चीज़ों को याद दिलाते रहें, जब पापा ड्यूटी पे जाते हैं वापस आते हैं तो उनको याद दिलाएं कि वो जब घर में आते हैं, अंदर आने के बाद किसी से, आपसे मिलने और आपको प्यार करने से पहले
अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें, ठीक है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, इनको बिल्कुल नहीं भुलाना है। और आप तमाम इतने अच्छे बच्चे हैं कि मैं आपसे सीखता हूँ और मुझे आप ये सब बातें बताते हैं और इसको हम दूसरों तक भी पहुँचाते हैं। स्कूल में भी आपने देखा होगा कि पूरा ख्याल किया जा रहा है इन्हीं तमाम चीज़ों का। तो बच्चों इंशाल्लाह दुआ भी करें साथ साथ कि ये जो एक माहौल है ये ख़त्म हो जाए और पहले जैसी खुशियां, पहले जैसी रौनकें लौट आएं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दिन आने वाले हैं। अब आप यूँ समझिए कि 90% वो जो मुश्किल का दौर था वो ख़त्म हो गया है, 10% और रह गया है। तो इसको भी हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है। कभी कभी क्या होता है ना, आप जब भाग रहे होते हैं तो जब वो आपको सामने जो एंडिंग पॉइंट है वो नज़र आना शुरू हो जाता है तो कई दफ़ा आदमी सुस्त हो जाता है और उस सुस्ती में जो पीछे दूसरा जो आने वाला है वो आगे निकल जाता है। तो हमें आखिर तक सुस्त नहीं होना है। कई दफ़ा क्या होता है, एक काम आप कर रहे होते हैं जैसे आप होमवर्क कर रहे हैं, अब आपको 10 पेजेस लिखने हैं तो 7-8 पेज तक आते आते ना आपकी उंगलियों में दर्द शुरू हो जाता है और आप सोचते हैं नहीं अभी मैं कल कर लूँगा, हिम्मत हार जाते हैं, वहीं गलती हो जाती है, आखिर में आकर के लोग थक जाते हैं। तो हमें आखिर में अब थकना नहीं है, ये जो थोड़े से दिन रह गए हैं इनको भी पूरी हिम्मत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है ताकि दोबारा ये वायरस यहाँ पर ना आ सके। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप सब ऐसा करेंगे, बड़े हों या छोटे, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि सेकेंड वेव से बचना है। दुनिया के कई मुल्कों में सेकेंड वेव आ चुकी है, आ रही है, केसेस पहले से ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ इंशाल्लाह कतर में इसको नहीं आने देना है दोबारा। उसके लिए हम सबको आपस में तआवुन की, एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है और एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया जो कि हर सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान लाइव पेश किया जाता है FM 107 दोहा से। और इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 4487-4299, 4413-1280 और 4487-9833। सुनते हैं आज के पहले कॉलर को, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? छोड़ें जी, आपने तो हमारा हाल चाल पूछना ही छोड़ दिया है तो हम आपको नहीं बताते। Guess who is back? अब गेस तो हम बाद में करेंगे, पहले आपके सवाल का जो हमने जवाब दिया है ना तो उससे आपको समझना चाहिए कि हमने क्या कहा है। हमने ये कहा कि हम आपको अपना हाल नहीं बताएंगे क्योंकि आपने इतने दिनों से हमारा हाल पूछा ही नहीं है, अब हम क्यों बताएं? ये मेरा एग्जाम था इसलिए। अच्छा, तो ये बताइए कि एग्जाम कैसे रहा, पहले तो ये बताएं। इजी पीजी। तो जब इजी पीजी था तो हमारा हाल भी पूछ लेती फिर। फंस गई, प्रिपरेशन कर रही होती थी। ओके, चलिए बहुत अच्छा किया आपने और आपने इतना अच्छा किया कि मेरा जी चाह रहा है कि मैं भी एग्जाम दूं आपके साथ मिलके। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप भी देना। हाँ, ये सही है। चलिए सही है, तो आप अपना नाम तो बताएं। अरवा बिलाल। तो एग्जाम के बाद आपका नाम चेंज नहीं हुआ? नहीं। क्यों, क्लास चेंज होती है तो नाम भी चेंज हो जाता है थोड़ा थोड़ा? क्लास नहीं चेंज हुई। अच्छा, स्टिल सेम क्लास है। ये कितने एग्जाम होते हैं? अभी कुछ दिनों पहले भी आपने एग्जाम दिया था। अभी फर्स्ट टर्म का फाइनल हुआ है। अच्छा, चलिए जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखे। अरवा, हमने आपको मिस किया इस प्रोग्राम में, लेकिन हमें पता था कि कोई ना कोई। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। तो जब ऐसा हो कि आपका एग्जाम है या ऐसा कुछ है तो बिल्कुल आप सही करती हैं कि पूरी आपकी जो तवज्जो है ना, पूरा फोकस वो उसी पे होना चाहिए। अच्छा अरवा, तो ये बताइए आज क्या सुनाने वाली हैं? ये मैंने एग्जाम में ये पैराग्राफ लिखा था। अरे वाह, सुनाइए फिर। अबाउट COVID-19। हाँ जरूर बताइए। माई स्कूल आफ्टर COVID-19, सुना लूं?
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिस्मिल्लाह. Suddenly, all the routine of school has been changed after COVID-19. Schools were closed and online classes were started from home. Daily, we received videos and worksheets on WhatsApp according to the timetable. We also have Zoom classes where our teachers explain lessons, but sometimes internet have problem and we can't listen each other. Schools are the best places to learn because other activities at home distract our minds. Studying from home gives us the opportunity to collect information from internet. After a long time now, our schools are partially opened. Schools are working with two types of learning. These are blended and online. Kids attending schools are following all SOPs like social distancing, etc. I wish vaccine will come for this virus and we can enjoy our studies at school with our friends and teachers. Inshallah, inshallah, zarur. बस जी वैक्सीन तो आ गई है, बहुत करीब आ गई है, बस थोड़े दिन और रह गए हैं और उसके बाद फिर ये जो आपकी जो दुआ है अल्लाह ने सुन ली है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका इलाज पूरी दुनिया में आम हो जाएगा. तो अरवा जी अब छुट्टियां हैं या फिर से क्लासेस हैं? क्लासेस शुरू. अच्छा मतलब एग्जाम के बाद बिल्कुल कोई जरा भी आपको रेस्ट नहीं मिला? नहीं. वैसे अगर रेस्ट मिलता है तो आदमी कई दफा परेशान हो जाता है ना, अब क्या करें, क्लासेस हैं तो पता है क्या करना है, रूटीन होती है ना, डेली तो स्कूल ले जाना होता ना. हाँ लेकिन ऑनलाइन क्लासेस तो होती है ना. हाँ जी. चलिए ठीक है, जिस दिन स्कूल जाना हो उस दिन आप पूरा ख्याल रखें जो भी अभी आप हमें बता रही थी SOPs का, तो और जिस दिन घर में होता है तो कोई मसला ही नहीं है. और ये आपने सही कहा कि स्कूल में जो बात होती है वो घर से पढ़ने में तो नहीं होती, बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ऐसा होता है. चलें बिलाल, अरवा बिलाल जी बहुत शुक्रिया बेटा आपकी कॉल का और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी. Can my brother talk? हाँ जी बिल्कुल आपके ब्रदर को. चलें आपके फ्रेंड को हम सलाम करेंगे और आपके भाई से हम बात करेंगे. हेलो क्या हाल है? श्री श्रीलंकन. हाउ आर यू बेटा? हाउ आर यू? आई एम गुड. व्हाट्स योर नेम? I'm good, alhamdulillah. What's your name? Muzna. Muzna, oh, what a beautiful name. Do you know what's the meaning? It's like rain cloud or something like that. Yeah. Yes, it's a rainy cloud, actually. Yeah. Well, great and beautiful. I googled it. Very meaningful name. Okay, Muzna, you are in the same class? You both are in the same standard or... I'm in, like, the same grade. Yes. But in a different school. Ah, different school. Yeah. So, how did you come to know each other? We're, like, in the same compound. Okay, so you are neighbors, actually. Yeah. Okay, great to know you, Miss Muzna. Miss Muzna, can I call you Miss Muzna? Yes, sure, if you want to. Okay, Muzna, nice to talk to you. Inshallah, we hope that you will call us, inshallah, in the next programs also. Okay. Okay, thanks. See you. Bye-bye. Bye-bye. तो अरवा और मुजना बड़े प्यारे नाम हैं दोनों ही और इनसे बात हो गई हमारी. अब देखते हैं कि इनके बाद लाइन पर कौन है. हेलो अस्सलामुअलैकुम. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा नासिर पठान है. फातिमा नासिर पठान, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह, अल्लाह करे कि अच्छा चलता रहे. आपने भी काफी दिन के बाद कॉल की है हमें. हाँ? काफी दिन के बाद कॉल की आपने. हाँ. क्यों? हम भूल गए थे. ओहो, तो
तो आप जो है ना वो बादाम और किशमिश और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाया करें ताकि आप भूलें नहीं. हाँ है ना. सही है. क्या सुनाएंगी फातिमा? मैं आपको सुनाने वाली हूँ सूरतुज़ुहा. पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأهوى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. कोई बात नहीं, इतना याद है तो जितना रह गया है वो भी इंशाल्लाह याद हो जाएगा. दो तीन आयतें और हैं तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी. हाँ. बहुत अच्छे. स्कूल चल रहा है? हाँ, स्कूल चल रहे हैं. घर से या स्कूल जा करके? पूरे दिन उससे बस ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं. अच्छा, एक दिन में नहीं जा रहे? नहीं. अच्छा ठीक है, चलिए सही है. फातिमा जब मुकम्मल इत्मीनान हो तभी जाइएगा स्कूल, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं. आप भी दुआ कीजिएगा कि जल्द वो वक्त आ जाए कि सब बच्चे स्कूल जाने लग जाएं, है ना. स्कूल खुल इंशाल्लाह. मेरी बहन से बात कीजिए. जी करवाइए बात. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? आमना नासिर पठान. तो आमिना नासिर पठान, आप बताइए, आप भी भूल गई थी कि कॉल करनी है? अंकल बैठे वेट कर रहे हैं हमारी कॉल का. आप भी भूल गई? ओहो, अब आप क्या करना ना, एक दूसरे को याद दिलाना. आप फातिमा को याद दिलाना, फातिमा आपको याद दिलाएगी. ठीक है, इंशाल्लाह. तो लिख करके ना अपनी अलमारी पे आप रख लें सामने. ओके ठीक है. या अपने अपने बेड के साइड पे कहीं पे चिपका लें आप एक पर्ची पे लिख करके कि सैटरडे 4 to 5 PM हमें कॉल करनी है. इंशाल्लाह. अच्छा क्या सुनाएंगी आमिना? मैं सूरह बकरा सुनाऊंगी. सुनाइए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम لم يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله.
बहुत अच्छे बेटा, बहुत खूब, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब आप दोनों बहनों से हमारी बात होती रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम छोटी सी दुनिया के अगले मेहमान को अब अपनी बज में आज के इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? तमीम। हाँ ओके। सुनाओ। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे तमीम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत शुक्रिया बेटा आपकी कॉल का, और बहुत अच्छी तरह से आपने ट्रांसलेशन भी हमें सुनाया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जिंदगी दे, और आप जल्दी से बड़े हो जाएं ताकि हम आपसे खुल के बहुत सारी बातें कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। अगली कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका क्या नाम है? तहूरा फातिमा। कैसी हैं तहूरा फातिमा जी? जी हाँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र है, ठीक हूँ। आजकल मौसम कैसा हो रहा है? सर्दी आ रही है या अभी तक गर्मी है? गर्मी है। अरे आपके इलाके में गर्मी है भाई? हमें तो लग रहा है कि अब गर्मी खत्म हो गई है तकरीबन, कुछ ऐसा तो नहीं है? थोड़ी बहुत है सर्दी। अच्छा, सर्दी में तो सुबह शाम तो कम से कम मौसम ठंडा ही होता है, और अभी तो बारिशों के भी दिन आ रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बारिशें शुरू हो जाएंगी तो फिर एकदम से सर्दी बढ़ जाएगी। तो गर्म कपड़े वगैरह निकाल के उनको धो के प्रेस करके रख लें, आप कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या सुनाएंगी तो हो रहा? नात सुनाइए। मौला मौला मेरे मौला, मेरे मौला मौला मेरे मौला, मौला मौला मेरे मौला, मेरे मौला मौला मेरे मौला, सदा मैं हूँ अता तू है, मरज में हूँ दवा तू है, तलब तुझसे मैं करता हूँ, तलब तुझसे मैं करता हूँ, हकीकत में सखा तू है, सदा में हूँ अता तू है, मरज में हूँ दवा तू है, बहुत से शाह देखे हैं मगर तुझ
तू है सदा मैं हूँ, अता तू है मरज में हूँ, दवा तू है तलब तुझसे मैं करता हूँ, तलब तुझसे मैं करता हूँ, हकीकत में सखा तू है सदा मैं हूँ, अता तू है मरज में हूँ, दवा तू है मैं शाकिर हूँ, तू साबी है तू हाजिर है तू नाजिर है, हमें दुनिया से क्या लेना, इबादत से जहाँ के रंग रौनक से मेरे आका तू साबी है, ये हालत के अंधेरों में भी हालत के अंधेरों में कलाम हक सदा तू है सदा मैं हूँ, पता तू है मरज में हूँ, दवा तू है कहाँ बस के कहाँ रोए, तेरे दर से कहाँ जाए, हमें दुनिया से क्या गुनाहगारों की सुनता है, गुनाहगारों की सुनता है, हमारा आसरा तू है सदा मैं हूँ, सुभान तू है मरज में हूँ, दवा तू है, तिलावत तेरी करते हैं, इबादत तेरी करते हैं, हमें दुनिया से क्या लेना, इदात तेरी करते हैं, ये दुनिया बे वफा दुनिया, ये दुनिया बे वफा दुनिया, ये आलम की बका तू है सदा मैं हूँ, अता तू है मरज में हूँ, दवा तू है इलाही, बख्श देना तू हमारे सब गुनाहों को, नहीं छोड़ेंगे दुनिया में सभी हम हक की राहों को, तेरे दर पे खड़े हैं हम, तेरे दर पे खड़े हैं हम, ये गालिब की दुआ तू है सदा मैं हूँ, अता तू है मरज में हूँ, दवा तू है तलब तुझसे मैं करता हूँ, तलब तुझसे मैं करता हूँ, हकीकत में सखा तू है सदा मैं हूँ, अता तू है मरज में हूँ, दवा तू है मौला मौला मेरे मौला, मेरे मौला मौला मेरे मौला, मौला मौला मेरे मौला, मेरे मौला मौला मेरे मौला। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, बात बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तौरा फातिमा बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सुनाया तोहरा, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया FM 107 दोहा से, और इस प्रोग्राम को लाइव सिर्फ सैटरडे को पेश किया जाता है शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान। इस वक्त आप प्रोग्राम में अगर कॉल करना चाहें तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ छोटे बच्चे हमसे बात कर सकते हैं, जो कि 8वीं क्लास तक के या 14 साल की उम्र तक के जो बच्चे बच्चियां हैं वो हमसे बात कर सकते हैं 4487429, 4487983 और 4413120 पर। हमारे साथ तकनीकी मुआविन है आज सलाह सालिम, और देखते हैं कि अब वो हमारी मुलाकात किससे करवा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। हेलो,
वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद बेटा, क्या हाल चाल है आपका? ठीक। क्या कर रहे थे? अभी मैं कॉल कर रहा था आपको। अच्छा, हाँ। मतलब कॉल ही कर रहे थे आप सुबह से? नहीं, सुबह से कॉल नहीं कर रहा था मैं, उठ गया था फिर मैं फिर क्या किया? खाना खाया? हाँ जी, खाना खाया। फिर थोड़ा खेला वेला? जी, फिर मैंने खाया। अच्छा, फिर खाया, फिर उसके बाद फिर फोन? मेरे बाबा आए, फिर मेरे बाबा सोए और वो ऑफिस चले गए, मैंने फिर आपको कॉल कर लिया। हाँ, गुड गुड गुड, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो अब कॉल कर ही ली है तो बताइए कि क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं सुनाऊंगा सूरह नसर। सूरह नसर सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله بہت اچھے بیٹا بہت زبردست تو محمد احمد آپ کے سکول کا کام پورا ہے جی سکول کا کام ہے پورا اچھا ڈیلی کا ڈیلی کر لیتے ہیں آپ ڈیلی کر لیتا ہوں اچھا تو سب سے زیادہ مشکل کون سے ہوم ورک میں ہوتی ہے آپ کو کس سبجیکٹ کے ऑल इजी होते हैं बस। अच्छा, सभी इजी है सब कुछ? हाँ जी। मतलब किसी में भी आपको कोई परेशानी नहीं होती? नहीं। अच्छा, सबसे प्यारा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? क्या फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? आईसीटी और साइंस। साइंस, ओके। साइंस में क्या पढ़ा आपने आजकल में? क्या पढ़ा कुछ बताइए हमें। नहीं बताएंगे, अभी नहीं पढ़ा, अभी नहीं बताएंगे, मूड नहीं है अभी। चलिए मोहम्मद अहमद बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अहमद साइंसदान साइंटिस्ट बनेंगे इंशाल्लाह बड़े होकर के, फिलहाल तो पसंद है उनको ये सब्जेक्ट और हमें पसंद है आप सब जो कि कॉल करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है छोटी सी दुनिया। और इस दुनिया के एक और मेंबर, एक और शहरी हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या नाम है आपका? लुबाबा फातिमा। हाउ आर यू लुबाबा? आई एम फाइन एंजल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करे कि आप हमेशा फाइन एंड शाइन रहें। आमीन आमीन। तो आपने लेटेस्ट वीडियो कौन सा अपलोड किया है? सूरा कुरैश? ना। ओके, ट्रांसलेशन के साथ या विदाउट? विदाउट। विदाउट, ओके ठीक है। तो आज आप हमें क्या सुनाएंगी? सुनाइए। اللهم لبى التوبة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والحيلة وبارخمة من محمود النهي وأتى. ما شاء الله ما شاء الله، زبردست زبردست، बहुत खूबसूरत। और लुबाबा ये जो दुआ है ना जो अजान के बाद पढ़ी जाती है, तो ये बहुत सारे जो हमारे सुनने वाले हैं ना जो बड़े हैं, आप तो बच्ची हैं, बड़ों को भी याद नहीं होती है। हालांकि हम तो हर अजान के साथ यहाँ से रेडियो से भी हम दुआ को नशर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को याद नहीं होती है। तो आप एक दफ़ा फिर सुना दीजिए ताकि सब आपके साथ पढ़ेंगे, सबको याद हो जाएगी। फिर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा Mama
النهيلة وبأسكم تمام محمود النهيلة. माशा अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लो बाबा। तो बहुत ही अच्छी आपकी वीडियोस भी होती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें आप इस प्रोग्राम में भी पेश करती हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। तो लो बाबा, और क्या करती हैं आप घर में? खाना बनाती हैं आप? नहीं। आपको कुक करना नहीं आता? कुछ भी कुकिंग नहीं आती? नहीं। अच्छा, पानी गर्म करना आता है आपको? नहीं, वो भी नहीं आता है। कपड़े धोने आते हैं? नहीं। अच्छा, पापा को तंग करना आता है? गुड yeah. बिल्कुल, पापा को खूब तंग करो, खूब खूब खूब, जितना ज्यादा तंग कर सकती हो पापा को तंग करो। जोर करके। हाँ, जोर करके। हाँ, जोर करके, जोर। बिल्कुल बिल्कुल, पापा को तंग करो। पापा क्या होते हैं ना, पापा जो है वो बेटियों का तंग करना बुरा नहीं मनाते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खूब तंग करो, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मम्मा को तंग नहीं करना, मम्मा हो सकता है डांट दे। हाँ, दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है बेटा, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको खुशहाल जिंदगी दे। लो बाबा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये बात मैंने यूं ही नहीं कही, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो खुद भी जानते हैं इस बात को, और मैं खुद भी एक वालिद हूं तो मैं भी जानता हूं। एक फितरी चीज़ होती है कि वालिद जो हैं वो बेटियों की बातें जितनी नज़रअंदाज करते हैं या जितना इतना बेटों का नहीं, उसकी वजह है। ये ऐसा नहीं है कि यूं ही है, बल्कि ये होता है कि जो जो बेटे हैं ना, अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियाँ जो बांटी हुई हैं ना, असल में वो कुछ इस किस्म की हैं कि बेटों को सख्त जान होना ही पड़ता है। मतलब उनके जो जज्बात हैं वो बड़े मजबूत किस्म के होने चाहिए, उनका जिस्म मजबूत किस्म का होना चाहिए, उनकी सोचने की ताकत बहुत मजबूत किस्म की होनी चाहिए, उनके अंदर फैसला करने की ताकत बहुत मजबूत किस्म की होनी चाहिए। तो उनको मतलब सख्त से सख्त हालात का भी सामना करने की उनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, और ये चीज़ें बचपन से आती हैं। तो बचपन से ही बच्चों को, बेटों को जो है ना, वो इस माहौल के लिए तैयार किया जाता है, और वो फितरी तौर पर बाप चाहता है कि उसके बेटे जो है ना वो मजबूत हों, इसलिए वो उनको थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं ताकि वो जब बड़े होकर के खुद दुनिया का सामना करें तो उसका सामना करने की ताकत रखते हों। तो बेटियां जो हैं वो अल्लाह ताला ने एक तोहफे के तौर पर दी हुई हैं, और उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बेटों से ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। तो उसी एतबार से उनके साथ जो है ना प्यार से, मोहब्बत से, बहुत ही नरमी के साथ पेश आया जाता है। और ये हमारे दीन की, इस्लाम की खूबसूरती है कि बच्चियों का कोई भी रंग हो, उनके साथ अदब और एहतराम और उनके साथ मोहब्बत का हुक्म दिया गया है। चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो माँ हो, हर सूरत में, या एक आम औरत हो, कोई भी जिसका हमसे कोई रिश्ता ना हो, लेकिन ये कि हमें उनके साथ नरमी का बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है, जो कि शुरू से ही झलकता है हमारे रवैये में। और ये मतलब एक अजीब बात यह है कि पूरी दुनिया में ये चीज़ आपको नज़र आएगी, हर मजहब में नज़र आएगी, और जिस इंसान में आपको ये चीज़ नज़र ना आए तो आप समझ लें कि उसके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। यानी कोई ऐसी कोई जगह जहाँ पर आप देखें कि बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है, या मतलब उनकी इज्जत नहीं की जा रही है, तो आप समझ लें कि वहाँ से इंसानियत का जनाजा उठ चुका है। ये एक ऐसा पैरामीटर है कि जिस पर आप किसी को भी नाप तोल के देख सकते हैं, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क का हो, कोई भी माशरा हो, कोई भी हिस्सा हो दुनिया का, आप इस पैरामीटर पे देख लें कि वो माशरा अपनी ख़वातीन की कितनी इज्जत करता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके अंदर कितनी अखलाकियात बाकी हैं और उसके अंदर कितनी इंसानियत बाकी है। तो ये एक फितरी चीज़ है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और तमाम बेटियों का और तमाम बेटों का मुस्तकबिल शानदार और ताबनाक करे। एक और कॉलर है मेरे साथ, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या नाम है आपका? कमरान कमाल। इमरान कमाल? कमरान। कामरान कमाल, कैसे हैं आप? अच्छे। अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे और कामरान और कामयाब रखे, और आप अपनी जिंदगी में कमाल के इंसान बन के निकले। तो क्या सुनाएंगे कामरान? तब्बा तेरा। सुनाइए।
हाउस बिल्ला तो पढ़े ना, हाउस बिल्ला बिस्मिल्ला पढ़े। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तब्बत यदा अबी लहब वतब मा अग्ना अन्हु मालुहु वमा कसब फयस्ना नारन ज़ात लहब वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله بہت اچھے۔ اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب، تو یہ جو ابو لہب ہیں آپ کو پتہ ہے کون تھا ابو لہب؟ نہیں۔ ہمارے جو پروفٹ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے چچا تھے ابو لہب، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے اور بہت ہی سخت دشمنی کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا دین اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کے ساتھ۔ تو ان کے ان کی جو دشمنی تھی اور جو ان کی غلط حرکتیں تھیں تو اس کا بیان اور ان کے لیے بدعا اس آیت میں ہے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹے اور پھر وہ ٹوٹے بھی تھے۔ اور یہ قرآن میں یہ آیت ہے اور یہ ظاہر قیامت تک پڑھی جائے گی، تو قیامت تک بدعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ابو لہب جو ہیں وہ چچا تھے، لیکن چچا ہونا ان کے کام نہیں آ رہا ہے نا، کام جو ہے وہ تو ایمان اور دین آتا ہے، تو وہ نہیں تھا ان کے پاس، تو باقی رشتہ داری کام نہیں آئی، حالانکہ سگے چچا تھے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ کامران جی بہت شکریہ بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ تو بچوں جیسے کہ پروگرام کے شروع میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا اور پھر اروا نے اس پہ ہمیں ایک اپنا پیراگراف بھی سنایا کہ ہمیں تمام ایس او پیز کا خیال رکھنا ہے، کرونا وائرس کو اپنے آپ سے، اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے دور رکھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ فیس ماسک کا استعمال کرنا ہے پبلک پلیسز میں، اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے، گندے ہاتھوں کو اپنے منہ پر، ناک پر، آنکھوں پر نہیں لگانا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ سامین، دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کچھ ہی منٹ اور باقی ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اپنے سننے والوں سے، اپنے پیارے بچوں سے کچھ اور باتیں کر لیں۔ پروگرام میں کال کرنے کے لیے نمبرز دہرائے دیتا ہوں، 4478742994879833 اور 4431218। ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا نام ہے آپ کا؟ احمد آمین بھائی۔ کیسے ہو احمد؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر، خیر خیریت۔ سردی تو نہیں ہو رہی؟ جی سردی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی گرمی ہے، تھوڑی سردی ہے، مکس ہے۔ اچھا کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ نشید سنائیے۔ اللہ 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 دے اپنے دل سے صدا لا الہ الا اللہ، دے اپنے دل سے صدا لا الہ الا اللہ۔
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दे अपने दिल से सदा ला इलाहा इल्लल्लाह दे अपने दिल से सदा ला इलाहा इल्लल्लाह तू ही मालिक बहरो बहर है या अल्लाह तू ही खालिक जिन्न बशर है या अल्लाह तू ही वाहिद तू ही अहद है या अल्लाह तू ही माजिद तू ही समद है या अल्लाह तेरे जैसा गली गली है डाली डाली गली गली है तेरे जैसा गली गली है डाली डाली गली गली है रात का एक फूल समर है या अल्लाह मंजर मंजर तेरा है या अल्लाह तेरे दम सवेरा है या अल्लाह ये यकीदा मेरा है हर जाते रब सेरा है सारा आलम तेरा है दोन मगा में तू ही तू या अल्लाह अर्ज समा में तू ही तू या अल्लाह या अल्लाह तू जान निकेर तू या रब करम फरमाना तू जान निकेर तू या रब करम फरमाना जुबान से हो ये अदा ला इलाहा इल्लल्लाह दे अपने दिल से सदा ला इलाहा इल्लल्लाह सबका दादा सब आका या अल्लाह मेरा मौला मेरा अल्लाह या अल्लाह तेरा नूर दारों में चार सौ हजारों में तेरा रंग बारों में फूलों में गुजारों में कुलत वाला तू ही तू है या अल्लाह अजमत वाला तू ही तू है या अल्लाह या अल्लाह किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह दे अपने दिल से सदा ला इलाहा इल्लल्लाह दे अपने दिल से सदा ला इलाहा इल्लल्लाह जिस पर तेरा गरम नहीं है या अल्लाह उसका कोई गरम नहीं है या अल्लाह तेरी कोई औलाद नहीं या अल्लाह तेरा सानी कोई नहीं है या अल्लाह इन्हें शिकल अपनी मारी तूने कहा إن الله غفور رحيم إن الله لروف رحيم فاكه تري ذات المولى يا الله يا الله سبتري هاي بعد المولى يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ما شاء الله جلا عجي باقي ترى نوسعك بجرمك جلا عجي نوسعك بجرمك وجسكي دل فلك لا إله إلا الله دي أبنى دل كسد لا إله إلا الله 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 دي أبنى دل اللہ 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 بہت زبردست احمد عظیم بہت زبردست بہت زبردست اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور دین حق پہ قائم رکھے بہت ہی خوبصورت نشید آپ ہمیں ہمیشہ سناتے ہیں اور کمال کی بات یہ کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے لیکن ہر ہفتے ہمیں ایک نیا نشید یا ایک نیا ترانہ ایک نئی نعت سناتا ہے اور جب اور بھی دیگر چیزیں پیش کرتا ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی محنت سے محبت سے تیار کرتا ہے تو احمد عظیم بہت شکریہ آپ کی کال کا اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے ہفتے یعنی کہ سیٹرڈے کو شام 4 سے 5 بجے کے دوران آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اسی کے ساتھ پروگرام چھوٹی سی دنیا کے آج کے حلقے سے اپنے میزبان عبید طاہر اور تکنیکی معاون صلاح سالم کو اجازت دیجئے اور دہراتا جاؤں کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیے گندے ہاتھوں سے ناک یا منہ کو چہرے کو نہ چھوئیں
और एहतियाती तदाबीर का पूरा ख्याल रखें। पब्लिक मकामात पर फेस मास्क जरूर पहने, वरना अगर पुलिस वाले पकड़ ले गए तो फिर मुझे नहीं कहना कि आपने नहीं बताया था। सख्ती हो रही है और होनी भी चाहिए, हमें पूरी तरह से तआवुन करना है गवर्नमेंट का और उसके तमाम कवानीन का। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये वबा